हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मॉक टेस्ट के बारे में। एमपीजीके के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को। तो इसमें अभी तक हम लोग 5 टेस्ट आपके ख़त्म कर चुके हैं। ये आपका छठवा टेस्ट है। याद रखिए, टेस्ट या परीक्षाएं तभी दी जाती हैं, मैं बार बार बोलता आया हूँ, जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को डिटेल से नहीं पढ़ा है तो उसे जाकर पहले पढ़ लें, ठीक है। और हम लोगों ने भी उसे कवर किया हुआ है बहुत ही साधारण शब्दों में अच्छे से। तो आप जाकर सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से प्ले लिस्ट सूची है, उसमें आपके 17 घंटे का एक क्लास पड़ी हुई है, उसमें पूरा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपका कवर किया गया है वो बहुत डिटेल के साथ, ठीक है। उसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। या फिर चैप्टर बाई चैप्टर आपके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है उसमें डले हुए हैं, चैप्टर बाई चैप्टर उसमें देखा गया। तो वहाँ जाकर पहले देख लें, उसके बाद इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। तो चलिए छठवें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो नीचे कथन दिए गए इनमें से कौन सा कथन सही है, सही कथन चुनना है हमें। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, सही है। मालवा की गंगा छिप्रा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा छिप्रा नदी को कहा जाता है, सही है। मध्य प्रदेश सोन नदी को, मध्य प्रदेश की सोन नदी है उसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके तीनों कथन सही हैं। क्या है? तीनों कथन सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? सोन बहती है, कैन बेतवा भी बहती है, लेकिन जो आपकी बैन गंगा है ये नहीं बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वर्धा एवं बैनगंगा के संगम स्थल को क्या कहते हैं? वर्धा एवं बैनगंगा के संगम स्थल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राण हेता। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, निम्न कथनों पर विचार करना है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर है जो आपका होशंगाबाद के निकट है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है जो रीवा की बीहड़ नदी पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है आपका। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल बागली गांव देवास में हुआ, ये भी आपका सही है। इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन पूछा है, तो तीनों कथन आपके सत्य हैं। तो क्या होगा? डी ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन आपके IAS में पूछे जाते हैं अधिकतर, ठीक है। चलते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सोन नदी के बारे में सत्य कथन आपको बताना है, कौन कौन से सही है। सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है, बिल्कुल सही कथन है। इसकी सहायक नदी जोहिला है, यह भी सही है। यह बिहार के दीनापुर की पहाड़ी के पास गंगा नदी में मिलती है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके तीनों कथन सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो देख ही चुके हैं। क्वेश्चन है छठवा, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, दुग्धधारा भी और मंदार भी है, लेकिन डचेज फाल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। फिर है आपका 7 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जल प्रपात बीहड़ नदी रीवा से संबंधित नहीं है? चचाई है, बहुटी है, केवटी भी है, शंकर खोट नहीं है,
क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 में? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 8, निम्न में से सम्मिलित नहीं है, जो नीचे मिलाना है करना है, इनमें सही सम्मिलित नहीं है आपका। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर मंदसौर में है, बिल्कुल सही है। राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी सागर में है। पाताल पानी जलप्रपात चंबल इंदौर में है, बिल्कुल सही है। झाड़ी दाहा जलप्रपात चंबल रतलाम में है, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 9, पंचनद प्रोजेक्ट अमृत क्रांति में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? पार्वती आपकी सम्मिलित है, नर्मदा आपकी नहीं है सम्मिलित, काली सिंध भी है, चंबल भी सम्मिलित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बी ऑप्शन सही है। 9 में क्या है? बी ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या है 10वां क्वेश्चन? है हमारा 10वां, निम्न में से गलत उत्तर कौन सा है? चंबल नदी 3 राज्यों से बहती है, सही है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है, सही है। चंबल नदी की लंबाई 995 किलोमीटर है, ये गलत है। चंबल यमुना नदी से में मिलती है, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सी ऑप्शन होगा गलत। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 11, निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? तो ये आपकी कूनो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ए ऑप्शन सही है, बिल्कुल। क्वेश्चन है हमारा 12, क्या है? निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है हमें। ओरछा ताप्ती नदी के किनारे है, गलत है। कूनो नदी देवास से निकलती है, गलत है। देवना नर्मदा की सहायक नदी है, गलत है। मालनी तवा नदी की सहायक नदी है, ये आपका सही है। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 में आपका डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सूची 1 और सूची 2 को सही साथ सम्मिलित करना है हमें। ये आपके जलप्रपात, एक सूची 1 में जलप्रपात है और सूची 2 में स्थल है आपके। तो ये है पियावन, ये आपका रीवा में। भालकुंड सागर, शंकरखो, जामनेर, अप्सरा, पचमढ़ी। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। 13 में क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 14, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश जो आपका राज्य है, इसमें नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो आपको बता देना है 1077। क्या है? बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, मैकाल पर्वत श्रेणी पर किस प्रकार का अपवाह पितिरो पाया जाता है? अध्यारोपित। 15 में सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सही कथन का चुनाव हमें करना है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा, सही है। बैनगंगा का पुराणों में बेवा बेया बदीदी नाम से उल्लेख मिलता है, ये भी आपका सही है। यानी कि ए 16 में आपका सी ऑप्शन होगा दोनों कथन। क्या होगा? 1 और 2 दोनों कथन सही है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 में आपकी नदी दी गई है और सूची 2 में नगर दिए गए, इन्हें हमें सही सम्मिलित जोड़ना है। नर्मदा नदी मंडला सही है, बेतवा सांची सही है, ताप्ती बुरहानपुर सिंध दतिया, इसमें आपका ए ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 18, क्या है 18, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो आपको बता देना है चंबल। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चंबल, बेतवा, कैन तथा टोंस नदियां मध्य उच्च प्रदेश से निकलकर यमुना में मिल जाती हैं। बिल्कुल सही कथन है। मध्य उच्च प्रदेश का ढाल गंगा बेसन की ओर है, ये भी सही है। बिंद सतह पर अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का निर्माण हुआ है, ये भी आपका सही है। तो इसमें होगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सूची एक और सूची दो को सम्मिलित करना है। सहायक नदी है और ये आपकी मूल नदी है। हिरण नर्मदा की सहायक नदी है। बनास, चंबल, जोहिला, सोन, खान, चिप्रा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरीवडी पहाड़ी से हुआ है? छिप्रा। यहाँ आपको एक क्वेश्चन बताना है आंसर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 22। इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? इंदौर जो है आपका ये किस नदी के किनारे? खान नदी। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। पहला है वर्तमान जल प्रणाली का निर्माण क्रस्टेशियस काल में नर्मदा में भैरंस घाटी बनने के बाद हुआ, ये सही है। मध्य उच्च प्रदेश में जल प्रवाह प्रणाली का पितरूप साधारणतः वर्गाकार है, ये आपका गलत है। सोनार एवं टोंस नदियां पन्ना विंध्याचल श्रेणियों पर समांतर पितरूप बनाती हैं, ये आपका सही है। दक्कन टेंस ट्रैप से उतरने वाली नदियां त्रिज्यात्मक पितरूप का निर्माण करती हैं, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपके ए सी डी कथन सही है, लेकिन बी आपका गलत है। और क्या पूछा था? गलत कथन पूछा था इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका बी होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। फिर है आपका 24 क्वेश्चन। नर्मदा नदी का कितने प्रतिशत बेसिन राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश राज्य में 89.9%। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। क्वेश्चन है हमारा 25। चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? जो आपका चचाई जलप्रपात है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी है आपकी 130 मीटर। कितनी? 130 मीटर, यानी कि 25 में आपका ए ऑप्शन सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? बैतूल में। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 27। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा 28 क्या है? नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां नर्मदा
और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। ये दोनों नदियाँ आपकी अरब सागर या खंबात की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा क्या है, 29। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो यह नर्मदा पर। सरदार सरोवर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर चल रही है। 29 में आपका सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में से नहीं मिलती है? कैन मिलती है आपकी, बेतवा भी मिलती है, चंबल भी, लेकिन सोन नदी आपकी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी है, ओंकारेश्वर है, इंदिरा सागर है, लेकिन बाण सागर नहीं है आपका। तो 31 में आपका क्या होगा? डी। 31 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 32। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है? तो आप सबको पता होगा, चंबल। ए ऑप्शन सही है 32 में। क्वेश्चन है हमारा 33। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका भीयर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात भीयर नदी पर है ना। चलते हैं 34 क्वेश्चन। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और विंध्याचल। 34 में सी होगा। क्वेश्चन है हमारा 35। नर्मदा घाटी उदाहरण है, नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। किसका? भ्रंश घाटी का। क्वेश्चन है 36। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका सी है। क्वेश्चन है हमारा 37। विंध्याचल पन्ना श्रेणी को कौन सी नदियां गहरी कंदरा बनाती हुई काटती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका धसान है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 38। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? कैमूर। 38 में आपका क्या होगा? बी कैमूर। क्वेश्चन है हमारा 39। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार। 39 में आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 40। सोनार एवं टोंस नदियां किन पर्वत श्रेणियों पर समानांतर प्रतिरूप बनाती हैं? मैकाल एवं कैमूर श्रेणियों पर। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका डी होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए, ये था आपका छठवा टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे सातवें टेस्ट के बारे में। ठीक।